आप सभी को जय मसीह की। आइए हम पिछले वीडियो का दूसरा भाग शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे शैतानवाद केवल मिजोरम या नागालैंड में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। केरल पुलिस द्वारा 2017 में अप्रैल के प्रथम सप्ताह में एक खूनी को तिरुवनंतपुरम में गिरफ्तार किया गया था, जिस पर आरोप था कि उसने अपने माता पिता बहन और आंटी की हत्या की है। कडेल जिंसन राजा नामक इस व्यक्ति के लिए केरल पुलिस का कहना है कि यह हत्यारा शैतान की उपासना में लिप्त रहा करता था। खुद राजा ने पुलिस के सामने इस बात को कहा कि वह शैतान की उपासना किया करता था। केरल पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी है कि यह गैरकानूनी समूह ऐसे अजीब व्यवहार फैला रहे हैं और राज्य में जड़ पकड़ते जा रहे हैं। गुप्तचर अधिकारियों का दावा है कि शैतान के उपासक राज्य में अपना जाल फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने लोगों को इनके जादू में फंसने के प्रति चिताया है। अधिकारियों का मानना है कि केरल में शैतानवाद टूरिज्म में आए जबरदस्त उछाल के कारण जड़ पकड़ता जा रहा है। दूसरी ओर केरल में चर्चों से प्रभु भोज चोरी होने और प्रभु भोज को अपवित्र करने की घटनाएं भी सामने आई हैं। शैतानवादी चर्च से प्रभु भोज की रोटी और दाख रस चुरा कर ले जाते हैं और उस पर पेशाब और मल करके उसे अपवित्र करते हैं। यह शैतान की उपासना करने का ही एक तरीका होता है। कई रिपोर्ट केरल में सामने आई है जिसमें कैथलिक चर्चों से प्रभु भोज की सामग्री गायब हो गई या चोरी हो गई थी। रिपोर्ट के अनुसार कई मसीही लोग भी शैतानवादियों को प्रभु भोज की सामग्री चर्च से चुरा कर बेच देते हैं। कोची की कैथलिक प्रिस्ट ने बताया कि उनके ही चर्च की एक लड़की पवित्र की हुई प्रभु भोज की रोटी और दाख रस चुराते और उसे शैतानवादियों को बेचते पकड़ी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार शैतानवादी पवित्र किए गए प्रभु भोज को खरीदने के लिए 1,00,000 रुपए तक देने को तैयार हो जाते हैं। केरल में प्रभु भोज की बढ़ती चोरियों और चर्च सदस्यों द्वारा ही प्रभु भोज बेचने की बढ़ती घटनाओं के कारण विभिन्न कलीसियाओं के अधिकारियों ने प्रभु भोज पर चौकसी बढ़ा दी है। कैथलिक चर्च ने तो प्रभु भोज सदस्यों के हाथ में देने की बजाय सीधा मुंह में डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि यह देखने में आया था कि कलीसियाई सदस्य प्रभु भोज हाथ में लेकर चले जाते थे और बाहर शैतानवादियों को बेच दिया करते थे। कई कलीसियाओं में पास्टर प्रभु भोज बांटने के बाद इस बात का विशेष ध्यान भी रख रहे हैं कि सदस्य प्रभु भोज खा भी रहा है या नहीं। पत्रकार राजीव शिवशंकर ने अपनी पुस्तक दमोवेडम में बताया है कि केरल में कोची शैतानवाद का मुख्य अड्डा बन गया है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि केरल में शैतानवाद फ्रांस के सैलानियों द्वारा सन 2000 के प्रारंभ में लाया गया था। राजीव का कहना है कि शैतानवाद केरल में बहुत तेजी के साथ पंख फैला रहा है। उन्होंने बताया कि केरल के 14 में से 7 जिलों में शैतानी चर्चों की स्थापना की भी जा चुकी है। शैतान की उपासना मुख्यतः सुनसान घरों या अपार्टमेंट्स में की जाती है। राजीव बताते हैं कि शैतान सेवा के नाम से यह शैतानी लोगों को लालच देते हैं कि शैतान की सेवा करने से उनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी और वे अमीर बन जाएंगे। राजीव बताते हैं कि मुख्यतः वह व्यापारी या बिजनेसमैन जिनको अपने बिजनेस में घाटा हो रहा होता है वही ब्लैक मास में शरीक होते हैं। राजीव बताते हैं कि व्यापारियों को घाटे से निकालने के लिए किए जाने वाला एक ब्लैक मास के लिए 30,000 रुपये ये शैतानवादी वसूल करते हैं। यही वह कारण है कि महाराष्ट्र के समान ही केरल में भी काला जादू और शैतानवाद के खिलाफ विधेयक बनाया गया है, परंतु यह अभी तक विधानसभा में ही लटका हुआ है। दूसरी ओर भारत में शैतानवाद किस कदर फैल रहा है इसका अंदाजा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि सैतानी बाइबल द सैटनिक बाइबल मात्र 263 रुपये में तथा द सैटनिक रिचुअल नामक पुस्तक जिसका उपयोग तंत्र मंत्र और दुष्ट आत्माओं को जगाने के लिए किया जाता है केवल 672 रुपये में भारत में बेची जा रही है। साथ ही इन पुस्तकों की होम डिलीवरी फ्री भी प्रदान की जा रही है। कितना आसान एक जवान के लिए अपने माता पिता से छिपकर इन पुस्तकों को प्राप्त करना तथा पढ़ना अब भारत में भी हो गया है। इसी प्रकार भारत में नाबालिग बच्चियों और नई जन्मी मासूम बच्चियों के बलात्कार की घटनाएं भी बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसी खबरें अखबारों में पढ़ने को मिलती हैं कि पढ़कर दिल दहल जाता है। 5 दिन 7 दिन 15 दिन 3 महीने
छः महीने, दो साल, पाँच साल आधी उम्र की बच्चियों के साथ न केवल बलात्कार किया जा रहा है बल्कि उनकी गला रेत कर हत्या भी कर दी जाती है। हालांकि आरोपियों को पुलिस पकड़ भी लेती है, लेकिन क्या इन घटनाओं को हवस या मानसिक रोग की संज्ञा देना उचित होगा या इन घटनाओं के पीछे शैतान खड़ा मुस्कुरा रहा है। टेड गंडरसन, जो कि अमेरिका में भूतपूर्व FBI चीफ रह चुके हैं तथा जिन्होंने अपनी जिंदगी शैतानवादियों द्वारा की जाने वाली हत्याओं और नरबलियों पर शोध करने में लगा दी है, उनका कहना है कि हत्या शैतानवाद की नींव माना जाता है। गंडरसन शैतान के उपासक एलिस्टर क्राउली द्वारा लिखित पुस्तक मैजिक इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस का संदर्भ देकर बताते हैं कि शैतानवाद में बच्चों की हत्या करना शैतान को परम बलिदान चढ़ाना माना जाता है। क्राउली ने अपने पुस्तक में लिखा था कि उच्चतम आध्यात्मिक कार्य के लिए एक व्यक्ति को उसके अनुसार ही शिकार चुनना चाहिए जिसमें सबसे बड़े गुण और शुद्ध गुण हों, उपयुक्त निर्दोषता और महाप्रज्ञता का लड़का या लड़की सबसे संतोषजनक और सबसे उपयुक्त शिकार होता है। गंडरसन का कहना है कि बच्चे शैतानी संगठनों के प्रमुख शिकार होते हैं। यह भी एक गौर करने वाला विषय है कि सन 1992 में अमेरिका में बढ़ती बच्चों की किडनैपिंग और हत्या की घटनाओं के कारण सरकार द्वारा एक FBI जांच शैतानी संगठनों के खिलाफ कराई गई थी। FBI के स्पेशल एजेंट केनेथ वी लेनिंग ने 1992 में ही अपनी रिपोर्ट, जिसका शीर्षक था इन्वेस्टिगेटर्स गाइड टू एलिगेशन ऑफ रिचुअल चाइल्ड एब्यूज, सरकार को सौंप दी थी। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष में स्वयं FBI ने इस बात को माना था कि अमेरिका में बच्चियों का किडनैपिंग, हत्याओं और बलात्कारों के पीछे शैतानवादियों का ही हाथ हो सकता है। अतः यह पूर्णतः मुमकिन है कि भारत में बढ़ते नाबालिग बच्चियों के बलात्कार और हत्या की घटनाओं के पीछे शैतानवादियों का ही हाथ हो, और अगर वास्तव में ही ऐसा है तो जब कभी भी भारत सरकार ने इन घटनाओं की जांच कराई तो जांच रिपोर्ट पढ़कर खुद भारत सरकार के पैरों तले जमीन सरक जाएगी। दूसरी ओर मुंबई में हो रही कई कत्लों के कारण मुंबई पुलिस का भी सिर चकराया हुआ है। खास तौर से बच्चियों की हत्याएं मुंबई में दर्दनाक तरीके से हो रही हैं। बेंडन गोंसाल्विस की गोरेगांव में सिर कटी लाश की गुत्थी अब तक मुंबई पुलिस सुलझा नहीं पाई है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस भी गोंसाल्विस की हत्या को नरबलि का कृत्य होने की संभावना जता रही है। साथ ही मुंबई पुलिस को इस हत्या में शैतानी कल्ट का हाथ होने का भी अंदेशा है। इस प्रकार अनेकों कटी फटी लाशें मुंबई पुलिस को मिल रही है जिनकी शिनाख्त पुलिस आज तक नहीं कर पाई है। न ही कोई शिकायत किसी के गुमशुदा होने की दर्ज की है कि पुलिस किसी कार्रवाई को अंजाम दे सके। स्पष्ट है कि मुंबई में कुछ तो ऐसा हो रहा है जो या तो नज़रों से छिप रहा है या उसकी हकीकत इतनी भयानक है कि जब वह सामने आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। भारत में शैतानवाद जोर पकड़ता जा रहा है और यह तो वे घटनाएं हैं जो हमारे सामने आ गई हैं, जो हमको अभी तक पता नहीं वह कितना भयानक होगा। आप सभी को जय मसीह की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें।